आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर बीबीएन क्षेत्र में सभी प्रकार की ट्रांसपोर्ट यूनियन जैसे ट्रक, टेम्पो, पिकअप और छोटा हाथी सहित अन्य के हक में आवाज उठाते हुए पूर्व विधायक रामकुमार चौधरी ने वर्तमान सरकार को कड़े शब्दों में आगाह किया है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नमस्कार, आज मैं नालागढ़ और दून के हमारे जो ट्रांसपोर्टर भाई हैं, चाहे वो ट्रक से जुड़े हैं, टेम्पू से जुड़े हैं, छोटे यूटिलिटी से जुड़े हैं या छोटे हाथी, जितने भी हमारे तमाम ट्रांसपोर्ट के छोटे बड़े व्हीकल्स हैं, उनकी रोजी रोटी के बारे में बात करना चाहूँगा। जब से पिछले 3 वर्ष से ये सरकार बनी है, तब से लगातार कोशिशें हो रही हैं कुछ उद्योगपतियों के कहने पे कि इस यूनियन को तोड़ा जाए, टेम्पू यूनियन को तोड़ा जाए, यूटिलिटीज़ के यूनियन को तोड़ा जाए और इस रोज़गार पे जो है बाहर के लोग, जो उनके रिश्तेदार हैं इंडस्ट्रिस्टों के, उनको ट्रांसपोर्ट्स के माध्यम से यहाँ बिठाया जाए। मैं इस चीज़ का भरपूर जो है विरोध करता हूँ। इस यूनियन को हमारे स्वर्गीय पिताजी चौधरी लज्जाराम जी ने अपने खून से सींचा है, हमारे परिवार ने अपने खून से सींचा है। इसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोगों से, छोटी से लेकर बड़ी यूनियन में लगभग 30-40 हज़ार लोगों का की रोजी रोटी जो है वो जुड़ी हुई है। जब से भाजपा की सरकार बनी है प्रदेश में, विधायक साथ मिलके, प्रशासन के साथ मिलके यूनियन को दबकाया जा रहा है। एक बड़े अधिकारी का मुझे जैसे पता लगा कि यूनियन की मीटिंग थी, बड़े अधिकारी उनको फ़ोन करते हैं कि आप किराए जो है कम करिए, अदरवाइज यूनियन को तोड़ दिया जाएगा। मैं कहना चाहता हूं सरकार से, अगर सरकार ने और प्रशासन ने ऐसी कोई जरूरत की, प्रशासन जो है आज सरकार पूरे उद्योगपतियों के हाथों में खेल रहा है। पहले कोशिश की गई कि हमारे क्षेत्र को कॉरपोरेशन में बदल दिया जाए ताकि 118 के माध्यम से बाहरी लोगों को यहाँ हमारी ज़मीनें जो हड़पने का काम करने का जो है वो उनको अधिकार दे दिया जाए। ऐसी सरकार की कोशिश है। हमने ना तो यूनियन से कभी 1 रुपये की बिगाड़ कराई है, लेकिन हम सच के साथ हैं, लोगों की रोजी रोटी के साथ हैं। जो काम लोगों ने मुझे सौंपा है, लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, वो मेरा दायित्व है, मेरा फर्ज है। मैं कहना चाहूँगा बीजेपी की सरकार से और यहाँ के जिला प्रशासन और हमारे जो बीबीएन का प्रशासन है कि अगर यूनियन की तरफ कोई ऐसी आंख उठाने की कोशिश की तो राम कुमार जो है वो चट्टान की तरह यूनियन के साथ खड़ा है। जहाँ खून भी बहाना पड़ेगा, हम खून भी बहाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से जो है वो इस यूनियन के हक में जो भी करना पड़े हम करेंगे। मैं कहना चाहूँगा कुछ उद्योगपतियों से, कोई बॉम्बे बैठ के स्टेटमेंट दे रहा है, कोई कहीं से स्टेटमेंट दे रहा है, कोई कहीं से स्टेटमेंट दे रहा है, ये स्टेटमेंट देनी बंद करिए। इससे पहले ये उद्योग आज नहीं लगे हैं, इन उद्योगों को लगे हुए 15 वर्ष हो गए हैं। कांग्रेस की सरकार थी उस समय के उद्योग लगे हैं, किराए आज नहीं बढ़े हैं, किराए जो है वो पिछले टाइम से जो चले आ रहे हैं वही चले आ रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि जब आप बसों के किराए जो है, अभी तक जब से आपकी सरकार बनी है आपने बसों के किराए 50% बढ़ा दिए, क्या आपने जो हमारे प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के लोग हैं, क्या हमारे छोटी ट्रांसपोर्ट्स के लोग हैं, क्या कभी आपने उनके बारे में सोचा? उनके भी किराए बढ़ने चाहिए। जब आपने डीजल महंगा बार बार हर रोज डीजल महंगा कर रहे हैं, आप पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, आप लोहा महंगा कर रहे हैं, आप स्पेयर पार्ट महंगा कर रहे हैं, आप चेसी महंगी कर रहे हैं, इंश्योरेंस के रेट्स आपने 3 गुने कर दिए, टायर के रेट 2 गुने हो गए, हर जगह वो रेट बढ़ोतरी कर रहे हैं। जब कोई यूनियन की बात करता है तो कहते हैं किराए कम कर दो, जबरदस्ती जो है 12% किराए कोविड के चक्कर में यूनियन के मेंबर के साथ यूनियन ने कम किए। अब कोविड खत्म हो गया है, ऑल इंडिया में लॉकडाउन खुल गया है, तो 12% का इन्होंने जो है अपने स्तर जो घटाए थे उनको बराबर कर दिया है। मैं मांग करता हूं सरकार से कि जैसे आपने 25% किराए बसों के बढ़ाए हैं, उसी तर्ज पे हमारे ट्रांसपोर्ट भाइयों को भी जो है वो किराए बढ़ाएं। इंडस्ट्रीज को बड़ा भारी फायदा जो है लॉकडाउन में हुआ है, सारी इंडस्ट्री सारे कारोबार बंद हुए हैं, लेकिन आपने दवाइयों की इंडस्ट्रीज को परमिशन दे के चलाया है और हमारे ट्रांसपोर्ट के भाइयों ने अपनी हथेली पे जान पे खेल के जो है पूरे भारतवर्ष में उन दवाइयों को वितरित किया है। इसके तहत आप कोविड का इंसेंटिव देते हुए मैं भाजपा से ही मांग करूंगा कि ट्रांसपोर्टर भाइयों के हक में जो है
वो किराए की बढ़ोतरी की बात करे, अपने हर चीज की बढ़ोतरी की है, लेकिन ट्रांसपोर्ट भाई का गला घोंटने का काम किया है। अगर ये काम आपने बंद नहीं किया तो हम लोग तुरंत जो है बद्दी में बहुत बड़ी स्ट्राइक पे जो है हमारी ट्रांसपोर्ट योजना नालागढ़ जो है चली जाएगी। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।